Good morning students, how are you all? As you have completed your first chapter, how computer works. Now, today we will start with our second chapter, hardware and software. Hope you are I think you are new to these words, hardware and software. So let's see what is hardware and software. First, we will put the names on the parts of a computer. You all know what all these things are? Okay, start with me writing along with me. So, what is this? This is a monitor. What is the spelling of monitor? M O L I T O R. Monitor. And what is this? Have you seen this? Yeah, this is a speaker. Which helps us to listen to music or the voice which is being pronounced from the computer. So, what is the spelling of speaker? S P E A K E R. Speaker. Then what is this? Yeah, you all know what is this. This is keyboard, spelling of keyboard. K E Y B O A R D की बोर्ड अरे द स्म व्हाट इज दिसव यूज टू डू लाइक लाइक दिस दिस वेरी गुड कंप्यूटर का छोटा चूहा माउस का स्पेलिंग एम ओ यू एस ई -E, माउस लिख लिया सबने अब ये क्या है डब्बा जो रखा है इसको क्या बोलते हैं जो कंप्यूटर का ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे हम सी पी यू सी पी यू फुल स्टॉप डाल के लिखना ठीक है सीपी यू यानि कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शॉर्ट फॉर्म है ये इसलिए हम बिंदी डाल के लिख रहे हैं ठीक है सी पी यू तो देखो हमने फिल कर दिया आपने भी किया ना मेरे साथ तो ये हमारा मॉनिटर ये हमारा स्पीकर हमारा सी पी यू ये की बोर्ड ये माउस ठीक है दोनों को नहीं बोला एक ही स्पीकर को बोला इसलिए हमने एस नहीं लगाया चलो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जैसे अपने कंप्यूटर के पार्ट्स तो मालूम है हमें अब हम देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है ना उसके लिए हमें आगे को पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिवाइस विच कॉर्डिनेट विथ ईच अदर टू परफॉर्म टैक्स अब कंप्यूटर क्या है एक कलेक्शन ऑफ डिवाइस है पूरे एक एक करके अलग अलग डिवाइस है ना ये इन सबको एकत्रित करके कंप्यूटर कहा जाता है एक साथ वो मिलजुल परफॉर्म करते हैं ठीक है एक साथ क्यों मिलते हैं कुछ काम करने के लिए क्या काम परफॉर्म टास्क जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं इट इज सुपीरियर टू अदर मशीन्स बिकॉज इट कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स ये सबसे बहुत से मशीन आपने देखे हैं लेकिन सब मशीनों से ये ऊपर कद में है ऊपर के पद में है अ सुपीरियर सबसे ऊंचा है टॉप मैनेजमेंट में आता है टॉप पर मशीन है ये क्यों क्योंकि ये सारे काम करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स वॉशिंग मशीन को देखो तो वॉशिंग मशीन क्या करती है बस कपड़े धोती है सुखाती है मिक्सी को देखो तो बस खाने की ग्राइंड करती है मिक्सी जूस बनाती है देखिए कंप्यूटर क्या करती है कंप्यूटर अरिथमेटिक करती है डेटा उसको स्टोर करती है और ड्राइंग करती है और हमें गाने सुनाती है राइम्स करती है है ना हमें कुछ पढ़ने की चीज़ें हम नेट पे सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने वाला मशीन कौन सा है अपना कंप्यूटर तो इसलिए इसको कहते हैं सुपीरियर टू अदर मशीन्स क्यों है क्योंकि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स सॉरी ऑल दार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच आर अटैच टू दीपीयू बाई वायर एज सारे पार्ट ऑफ कंप्यूटर ये जो डिवाइसेस है सीपीयू से कनेक्टेड है सर वायर से ठीक है उन डिवाइसेस को कहते हैं पेरीफेर कम्प्यूटर सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ठीक है कंप्यूटर सिस्टम में अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है हम देखते हैं टावल कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक है अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है इनपुट डिवाइस आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे तो इनपुट डिवाइस भी आते हैं आउटपुट डिवाइस भी आते हैं प्लस वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हार्डवेयर में आते हैं सॉफ्टवेयर में क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब वो क्या है देखते हैं हम हार्डवेयर क्या है नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हार्डवेयर द कॉम्परेंस डेट कैन बी फिजिकली अटचड आर कॉल्ड हार्डवेयर जो हम ऐसे जैसे मैं बुक को छू पा रही हूँ पेंसिल को छू पा रही हूँ ना फिजिकली अपने हाथों से हम छू पा रहे है उसको कहते हैं हार्डवेयर दे आर ऑल विजिबल कॉम्परेंस इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर ये सब हमें देखने वाली दिखने वाली सवाल है जो हमें काम करने में कंप्यूटर में काम करने में हेल्प करती है ठीक है

करने के लिए यानि कि हमारा इनपुट डिवाइसेस है जो हमें कंप्यूटर में काम करने के लिए मदद करती है ठीक है दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस तो की बोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यहाँ पर कॉमनली यूज कौन सा है कीबोर्ड एंड माउस तो अब यहाँ पर हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर देखते हैं मॉनिटर है ये मॉनिटर क्या करती है इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय अ कंप्यूटर जैसे ही काम हो जाता है तो हमारा आउटपुट कौन दिखाता है मॉनिटर है ना हमें दिखाता है तो मैंने कहा था हार्डवेयर क्या है आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस ये तीनों मिले होंगे तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट दिखाती है इट शोज द रिजल्ट और द आउटपुट ऑफ द वर्क डन बाय कंप्यूटर देट इज अवर कीबोर्ड कीबोर्ड इट इज यूज फॉर टाइपिंग ऑन कंप्यूटर ये इनपुट डिवाइस है जो हमें टाइप करने में मदद करती है इट हेल्प एस इन टाइपिंग माउस इट हेल्प्स यू टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर बाय क्लिकिंग माउस क्या करती है हमें स्क्रीन पर जाके कहाँ पर दिखाना है क्या करना है क्लिक करने के लिए वगैरह इट हेल्प्स इन क्लिकिंग यानी इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस दैन सी पी यू इट इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सी पी ओ इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो भी हम इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करती है अपनी सीपीओ दे स्पीकर दे हेल्प यू टू हियर द साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर से जो भी ऐसे मतलब गाना बजा रहे हैं इफ यू आर सेलेक्टेड सब यूजिक टू प्ले that music will be played but we have to also hear so the sound from the computer comes through our, our ears through this speakers that is the printer speaker is an output device printer uh, so cpu is a central processing unit okay that is printer printer is an output device it helps you to take print out of the work done on a computer तो स्क्रीन का बोला था मॉनिटर का कि वो डिस्प्ले करती है लेकिन ये हमें प्रिंट आउट देती है पेपर में प्रिंट करके अपना रिजल्ट को देती है ये है प्रिंटर तो ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस थे द लेट्स गो थ्रू आवर नेक्स्ट हार्डवेयर योर पेज टू वन वन फोर फोर्टी द डेस्कटॉप माइक्रोफोन ये फोल्ड तो आप अभी बहुत देख रहे होंगे क्या है कि मतलब आज कल लॉकडाउन है या कोरोना के बारे में मतलब हम लोग घर पे ही हैं तो न्यूज वगैरह तो देखते रहते हैं तो हमारी मोदी जी वगैरह जब स्पीच देते हैं तो ऐसा वाले बाइक से देते हैं टेबल पे ऐसे लगा रहता है तो न्यूज पे वगैरह देखते हैं जब मीडिया वगैरह बात होती है चर्चा करते हैं दे आई यूज दिस टाइप ऑफ बाइक्स ये डेस्कटॉप माइक है जो आप टेबल पे रख सकते हैं ये रिकॉर्ड करती है अपनी वॉइस कंप्यूटर में सो से इट इट विल बी रिकॉर्डेड आवर आवर कंप्यूटर इज़ लाइट पेन ये भी आप जाने पहचाने हो पिछले क्लास में भी बताया था ये क्या है जो आपने स्मार्ट क्लास में देखा होगा तो स्क्रीन पे लिखने के लिए या दिखाने के लिए हाईलाइट करने के लिए जो पेन यूज किया था ये है लाइट पैर यूज द स्पेशल पैड यू राइट ऑन द पैड कैन बी सेंट टू द दॉडी जो हम लिखते हैं वो क्या है स्क्रीन पे दे दिखाई देता है स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल व्हील बेस्ट एग्जाम्पल आपको देख जो देखा है आपने उसको आ, थोड़ा वो करने के लिए बताया जाए तो बाउस बाउस के ऊपर एक बटन है ना तो वैसे स्क्रॉल करते रहते हैं बॉल टाइप का मतलब ऊपर से यू यू करते हैं तो आगे पीछे मॉनिटर जाती है है ना तो ये स्क्रॉल व्हील है जिसमें बॉल लगे हैं माउस के नीचे हमें ऐसे वाला बॉल दिखता है ये हिलने से क्या होता है में पॉइंट में पॉइंट करती है ठीक है स्कैनर स्कैनर इपीज मैट्रनि की पिक्चर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी हम डाल रहे हैं स्कैन करने के लिए एक पेपर में वो पेपर से वो क्या करते हैं कंप्यूटर में सेव करती है ठीक है देर इज बॉर्डर बॉर्डर आप लोगों ने शायद ही देखा होगा क्योंकि आजकल सिस्टम में पूर, पूरे पूरे मॉडल इनबिल्ड होकर आते हैं यानी कि सिस्टम में पहले से ही बन के आती है पहले पहले क्या होता था ऐसे मॉडर्म खरीद अगर नेट यूज़ करना है तो हम लोग को वाईफाई कनेक्ट करने के कर लिए या फिर डायलअप करने के लिए वगैरह डेट का यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में पहले ये मॉडम होना चाहिए ये मॉडम हम ले अलग से इसमें कनेक्ट करते हैं तभी वो डेट का यूज़ किया जा सकता था आजकल के सिस्टम में पूरा मॉडम इन आता है ठीक है दैट इज इट हैज़ ए प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हमारी हेल्प करती है ये जॉयस्टिक तो ये था हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस क्या क्या थे मॉनिटर कीबोर्ड माउस सीपीयू स्पीकर प्रिंटर डेस्कटॉप माइक्रोफोन लाइट पेन स्क्रॉल व्हील स्कैनर मॉडर जॉय जॉयस्टिक सो इन दिस वीडियो वी विल गो विथ आवर कंप्यूटर डिवाइस एंड इज हार्डवेयर हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट आउटपुट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है आप अच्छे से समझ लीजिए मैं इसका पी डी एफ भी भेजती हूँ आप इसको देख के रीड करके अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए नहीं है तो मैं पी डी एफ सेंड करती हूँ तो हार्डवेयर अच्छे से आप समझ लीजिए कल हम अपना सॉफ्टवेयर करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है उस पर क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो क्या क्या चीजें हैं ये सब करेंगे प्लस हम अपने असमेंट को भी कल कर लेंगे ठीक है टेक केयर एंड बाय बच्चो